गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज मैं बहुत ही टेस्टी और इवन जो आप बाहर जाके मोस्टली टाइम खाते ही खाते हो, क्योंकि हम लोगों को आदत है जंक फूड खाने की। सो गाइज, आज मैं मोमोज बनाऊंगी, वो भी घर पे। सो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और गाइज आप भी मोमोज घर पे बना सकते। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, आपको चीजें समझ आएंगी, फिर आप अपने घर पे भी मोमोज बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सो गाइज, मैंने ये सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। मैदा मल ली है और साथ ही साथ मेरे टमाटर, मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें चॉप कर ली, और मैंने सोयाबीन भी भिगो दिए हैं। सो गाइज, चटनी बनाने के लिए गाइज, ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, वो ही आपको सिर्फ पीसने हैं, ठीक है? और उसके बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा। गाइज, ये हमारी लोई तैयार हो चुकी है, ठीक है? और ये मैंने पेस्ट बनाया है सोयाबीन का, आपको ग्राइंड कर लेना है। और अगर आप इसमें कोई भी मसाला ऐड करना चाहते हैं या कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं आज सोयाबीन के मोमोज बनाऊंगी, तो चलिए आइए देखते हैं। मेरे मोमोज तैयार हो चुके हैं, ठीक है? अब हम इन्हें स्टीम करेंगे, और मैं आपको बताती हूँ अब कैसे स्टीम करेंगे। मैंने जस्ट अभी अमेजोन से बाय करा था, गाइस ये बॉयलर मैंने बाय करा था अमेजोन से, ठीक है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्लास भी है, आप अपने पानी की आप कितना डालेंगे वो सारी चीजें हैं इसमें। ये देखिए, स्टीम बॉयलर है, ठीक है? इवन आप इसमें एग भी बॉईल कर सकते हो। और ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। आपको इसमें पानी डालना है, ठीक है? तो चलिए पानी डालते हैं हम इसमें। सो अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है? अब मैंने जो मोमोज बनाए हैं, ये मोमोज मैं इसमें रखूंगी, ठीक है? सो उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा ऑयलिंग करूंगी, जिससे कि ये चिपके ना। गाइज, इसमें मैंने मोमोज रख दिए हैं, अब हम इन्हें ढक देंगे। कितना अच्छा लुक आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरे मोमोज तैयार हो चुके हैं, और लिटरली जैसा मैंने सोचा था उससे लाख गुना बेटर लग रहे हैं। और अब हम इनको खाएंगे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए गाइस। और मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हार्डली 1 घंटा मुझे लगा है पूरा रेडी करने में, बनाने में, सारी चीज़ें इंक्लूड करके मुझे इतना ही टाइम लगा है। सो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय।